नमस्ते। देखो, थायराइड के लिए ना मैं आपको आज कुछ अभ्यास बताऊंगा जिनसे आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन आसनों को पूरे ध्यानपूर्वक करना। सबसे पहले तो आपको गर्दन के अभ्यास करने हैं। श्वास भरकर गर्दन ऊपर ले जाना, थोड़ा खिंचाव रख के थायराइड ग्रंथि में आपके खिंचाव पड़े, श्वास छोड़कर नीचे। ऐसे आप 5 बार पीछे 5 बार आगे झुकाएं गर्दन। जिनको सर्वाइकल होगा वो गर्दन आगे मत झुकाना, या दर्द भी रहता है किसी किसी को गर्दन में और थायराइड भी है, तो वे केवल पीछे झुकाने का अभ्यास करें। ऐसे बार बार पीछे झुकाएं, रुकें। दूसरा, इसमें श्वास भर के आपको पीछे पूरा खिंचाव करें और रुकें, इसमें श्वास लेते रहें छोड़ते रहें, पूरा ये थायराइड ग्रंथि को खींचे। एक तो ये अभ्यास हुआ गर्दन के, फिर इधर लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे आपको ये खिंचाव करने। गर्दन के अभ्यास जरूरी है जिससे आपकी थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाए। दूसरा, आपको जो है उष्ट्रासन करना है। ऐसे आपको घुटनों पे खड़े हो जाना, पैरों में गैप करना कंधों जितना, श्वास भर के एक हाथ एड़ी पर, फिर दूसरा हाथ दूसरी एड़ी पर, गर्दन पीछे लटका ले, रुके इसमें, श्वास लेते रहे छोड़ते रहे। उष्ट्रासन करने के बाद आपको माजरी आसन करना है। ऐसे हाथों को आगे रखना, पैरों में पीछे थोड़ा गैप, श्वास भर के आपको गर्दन ऊपर उठाए, कमर नीचे खींचे, श्वास छोड़कर गर्दन नीचे कमर ऊपर। ये कमर दर्द के लिए भी है और थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप 10-15 बार ऐसे कर सकते हैं। पूरा खिंचाव करना है गर्दन में, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ये अभ्यास कीजिए। एक आपको गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम बताए, दूसरा उष्ट्रासन, तीसरा हमने माजरी आसन किया। अब पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट के भुजंग आसन भी थायराइड में काम करता है। श्वास भरकर हथेली पीछे रखें और ऊपर उठें। ज़्यादा ऐसे सीधा ऊपर नहीं उठना, थोड़ा सा नीचे कोहनिया मोड़कर गर्दन में अब खिंचाव करें। यहाँ पे आपको गर्दन में पूरा खिंचाव रखते हुए श्वास लेते रहें छोड़ते रहें। आप जो भी अभ्यास करेंगे उसमें पूरा ध्यान आपके थायराइड ग्रंथि पर रहेगा, तब आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ में और भी अभी हम करेंगे सर्वांग आसन। शुरुआत में क्या होता है, जब आपका थायराइड बढ़ा है, किसी किसी का कह रहा था थायराइड में वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कैसे करेंगे, वो दीवार के सहारे कर सकते हैं। ऐसे दीवार के सहारे लेके पैर ऊपर उठाएं और श्वास भरकर ऐसे पैरों को सीधा ऊपर ले जाएं, फिर एक पैर दीवार पर रखें एक ऊपर। जब आपका धीरे धीरे बैलेंस बनने लगे तब दूसरा पैर भी हटा लें। ऐसे सर्वांग आसन ये बहुत अच्छा है थायराइड में, क्योंकि इससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है। और यहीं से जब आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएं, इस आसन में रुकने लगे, तब आपको हलासन करना है। पैरों को जितना हो सके पीछे नीचे जमीन पर टिका दें, कमर सीधी रखें और रुकें इसमें। ये अभ्यास थोड़ा प्रैक्टिस के और गाइडेंस के बाद ही करें। आराम आराम से ऐसे वापस आना है, काफ़ी लाभ करेंगे आपके थायराइड में। और दूसरा एक और आपको अभ्यास बताता हूँ, इसका अपोजिट अभ्यास भी हो जाएगा आपको। ऐसे ऐसे पैर रखिए, हथेलियों का रुख पीछे की तरफ, श्वास भरकर कमर ऊपर उठाना है पूरा, गर्दन पीछे लटका दो। इसमें भी श्वास लेते रहो छोड़ते रहो कंटिन्यू, पूरा खिंचाव गर्दन में महसूस करो और रुकें इसमें। तो अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे थायराइड के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, ऐसे आराम से कमर सीधी कर लें, वायु मुद्रा इसमें लगा कर रखें। पहले 2-3 सामान्य श्वास लें, छोड़े मन को और एकाग्र कर लें। अभी आपको मुख से श्वास छोड़ना है, नाक से भरा श्वास, और इसको तेजी से भी करना है, स्वान ब्रीदिंग करना है। जैसे शुरुआत में आपको ये सीखने में थोड़ा समय लगेगा, आप थक जाएंगे, 2-4 श्वास ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसी ब्रीद आपको कम से कम 50 बार करना है। ये आपको थायराइड में बहुत लाभ करेगी। दूसरा आपको क्या करना है, थोड़ा
उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम में दांतों को अच्छे से बंद करें, गले को टाइट कर लें, छोटी छोटी हिचकियों की तरह करना है पहले। कुछ इसमें गलती करते हैं कि बाहर की तरफ करते हैं ऐसे, ऐसे नहीं करना, छोटी छोटी श्वास को ऐसे आवाज करते भीतर की तरफ, गले में खिंचाव पड़े आपके तब ये कर रहे हैं, ऐसे करके फिर गर्दन पीछे झुका लें या आगे, जिनको सर्वाइकल है पीछे झुकाना, श्वास रोक लें, जालंधर बंद इसको बोलते हैं, और फिर लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ना है, ऐसे 50 बार करना है कम से कम। तो अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे थायराइड के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, ऐसे आराम से कमर सीधी कर लें, वायु मुद्रा इसमें लगा कर रखें, पहले 2-3 सामान्य श्वास लें, छोड़े मन को और एकाग्र कर लें। अभी आपको मुख से श्वास छोड़ना है, नाक से भरा श्वास और इसको तेजी से भी करना है, स्वान ब्रीदिंग करना है, जैसे शुरुआत में आपको ये सीखने में थोड़ा समय लगेगा, आप थक जाएंगे, 2-4 श्वास ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसी ब्रीद आपको कम से कम 50 बार करना है, ये आपको थायराइड में बहुत लाभ करेगी। दूसरा आपको क्या करना है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में दांतों को अच्छे से बंद करें, गले को टाइट कर लें, छोटी छोटी हिचकियों की तरह करना है पहले। कुछ इसमें गलती करते हैं कि बाहर की तरफ करते हैं ऐसे, ऐसे नहीं करना, छोटी छोटी श्वास को ऐसे आवाज करते भीतर की तरफ, गले में खिंचाव पड़े आपके तब ये कर रहे हैं, ऐसे करके फिर गर्दन पीछे झुका लें या आगे, जिनको सर्वाइकल है पीछे झुकाना, श्वास रोक लें, जालंधर बंद इसको बोलते हैं, और फिर लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ना है, ऐसे 50 बार करना है कम से कम। उज्जयी प्राणायाम को कम से कम आप सीख करके 20 से 50 बार तक करें उसको डेली, तभी आपको लाभ मिलेगा। अंत में हमें सिंहासन का अभ्यास करना होता है, ऐसे वज्रासन में बैठे। सिंहासन में लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि खाली आवाज करते हैं, खाली आवाज नहीं, दहाड़ नहीं करना, खाली आपको श्वास भर के तब श्वास का घर्षण करना है, ताकि आपकी श्वास का गले में थायराइड ग्रंथि में घर्षण हो, तभी तो लाभ मिलेगा। ऐसे पूरी श्वास भरे, आंखें खोले, जिह्वा को बाहर करके, और फिर बाद में आपको गले की मसाज करनी है, ऐसे लार भीतर लेते हुए ऐसे 1 मिनट तक ये गले की मसाज करें, ताकि आपकी थायराइड ग्रंथि अच्छे से एक्टिव हो जाए, और उससे जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो अच्छे से होने लगे। ये एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव होना या कम एक्टिव होना दोनों ही नुकसानदायक है, ये बैलेंस हो जाएगी आपकी इन प्राणायाम से और जो आपको आसन बताए। तो इन सभी योगासनों का, प्राणायाम का अभ्यास आपको किसी के गाइडेंस में रहकर सीखे तब आप करें, ऐसे आप करेंगे तो गलत करेंगे, अगर वीडियो देख के भी थोड़ा बहुत करते हैं तो गलत। पहले अपने डाउट क्लियर करें, अच्छे से सीख लें, तब कीजिए। गारंटी से 3 महीने अगर आपने अभ्यास सुबह शाम कर लिए तो आपको लाभ मिलेगा, थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। नमस्ते।